साइक्लिक कंपाउंड के बाद बातें आती है आगे दो और कंपाउंड्स की जो तुम लोगों को सीखना है। मैं दोनों कंपाउंड्स का हिंट देता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ये चीज़ें हम लोग इलेवेंथ में सीखेंगे। तो हिंट के ऊपर चलते सुनना, एक कंपाउंड आएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड, और एक कंपाउंड आएगा स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो नाम ही है, स्पाइरो नाम इसलिए पड़ा था कि वो स्पैरो टाइप का लगता था, जैसे स्पैरो, दो स्पैरो ऐसे खाना खा रहे हैं, मतलब एक जगह से जुड़े हैं, एक जगह से, ओनली वन कार्बन से, मतलब एक कटोरा से ही दो स्पैरो जुड़े हुए हैं। तो वैसे ये स्पाइरो जैसे दो साइक्लिक कंपाउंड्स एक दूसरे से जुड़ जाए। अभी साइक्लिक कंपाउंड क्या थे, दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, एक बॉन्ड बीच में था। तब देखना, कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर ये तो दोनों साइक्लिक जुड़े थे यहाँ पे, नहीं ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच नहीं थे। जब एक साइक्लिक कंपाउंड दूसरे साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट अटैच हो जाता है, उस टाइप के कंपाउंड्स को आइदर हम लोग बाईसाइक्लो, आइदर हम लोग स्पाइरो कहते हैं, लिख लेना। अब इसके बाद से बात की जाती है बाईसाइक्लो कंपाउंड उनको बोलेंगे जिसमें एक साइक्लिक कंपाउंड दूसरे साइक्लिक कंपाउंड से दो कार्बन से अटैच हो, अटैच्ड बाय टू सेंटर कार्बन। एंड व्हेन द टू बाईसाइक्लो टू साइक्लिक कंपाउंड आर अटैच्ड विद ईच अदर विद वन सेंटर कार्बन, मतलब एक सेंटर कार्बन हो, इज कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर होगा? एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में लिखेंगे, जैसे इस तरह का एक कंपाउंड है और इसी तरह का एक कंपाउंड से जुड़ गया, मतलब ये दोनों दो सेंटर से जुड़े हैं, इनको बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। स्पाइरो बोलना हो तो इसी तरह के कंपाउंड को अगर एग्जांपल की टारगेट करें, क्योंकि अभी इसी तरह के कंपाउंड देख रहे हैं, तो इसको स्पाइरो बोलेंगे। ओनली वन सेंटर से जुड़ा है, इसको बोलेंगे स्पाइरो। आई थिंक क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और मतलब एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड, ये दोनों ऐसे जुड़ जाता है, तो ये यहाँ भी जुड़ा और यहाँ भी जुड़ा, इसका मतलब इसका दो सेंटर एक दूसरे से अटैच है, इसको बोलेंगे बाईसाइक्लो। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे बाईसाइक्लो, लेकिन अगर ये ऐसे जुड़े तो एक सेंटर अटैच है, इसको बोलेंगे स्पाइरो। आई थिंक अभी क्लियर होगा। चलो अब थोड़ा सा इसके नाम के बारे में करते हैं। सर इसके नाम कैसे लिखेंगे, क्या बाईसाइक्लो के नाम जैसे आपने साइक्लो प्रोपाइल या प्रोपेन लिखा था वैसे बाईसाइक्लो प्रोपेन लिख देंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसमें एक अंतर होंगे, क्योंकि ये दो जगह से डायरेक्ट लिंकेज हो रहा है, इसलिए इसमें बताना होगा कि ये तो डायरेक्ट दो जगह से लिंकेज हो गया। मान लेते हैं ये दो जगह से लिंकेज है, तो इसको बोलेंगे ब्रिज, इसको इसको बीच वाले को बोलेंगे ब्रिज कार्बन। तो इसमें बताना होगा कि ये ब्रिज कार्बन पे कितने कार्बन है, ब्रिज कार्बन के इस साइड वाले हिस्से में कितने कार्बन है और ब्रिज कार्बन के इस साइड वाले हिस्से में कितने कार्बन है। मतलब बताने होंगे कि आखिर ये दोनों दो सेंटर से जुड़े हैं तो इस साइड कितने कार्बन है और इस साइड कितने कार्बन है और ब्रिज के ऊपर कितने कार्बन है। क्लियर है? मतलब देखना, अगर मतलब इस कंपाउंड के बारे में लिखना हो तो अपन पहले नंबरिंग चालू करेंगे। सुनना, पहले नंबरिंग चालू, दो मैं बताऊंगा, दो पे सीख जाओ। देखो पहले नंबरिंग चालू करेंगे तो किधर से नंबरिंग चालू करें, तो जिधर से ब्रांचिंग होती है उधर से नंबरिंग चालू करेंगे इसमें भी। लेकिन अगर इसमें अभी ब्रांचिंग नहीं है तो पहले नंबरिंग चालू करेंगे बड़े वाले रिंग के ऊपर से। बड़े वाले रिंग मतलब यहां से मान लेते हैं, तो बड़े ये दोनों बराबर है, अभी कहीं से चालू करो तो ब्रिज हेड से चालू करेंगे। ब्रिज हेड से ही शुरू करना, कोई भी नंबरिंग होगा ब्रिज हेड से ही शुरू होगा। वन, और बड़े वाले की तरफ जाएंगे, टू थ्री फोर, यहां दोनों सेम था इसलिए किसी भी साइड चले गए। क्लियर? तो यहाँ नंबरिंग हो गया। सर नाम कैसे लिखे, तो पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि ये साइक्लो लिखने से काम होगा नहीं, बाईसाइक्लो, सी वाई सी एल ओ साइक्लो, ठीक है। चार कार्बन है, कितने भी नंबर हो काउंट कर लेंगे, चार कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है सारे तो एन, ब्यूटेन। सुनना मैंने क्या बताया, नंबरिंग करते समय उस साइड मूव करेंगे पहले जिधर में बड़ा होगा, रिंग बड़ा होगा उधर में मूव करेंगे, और उधर में मूव करने के बाद अगर छोटे वाले के साइड में डबल बॉन्ड हो तो बड़े वाले मूव नहीं करके हम लोग छोटे वाले तरफ रिमूव करेंगे। मैं ये शुरू से बताते हैं लेक्चर नंबर वन से, ये जीरो टू हीरो सीरीज। यहाँ देखो बाईस साइक्लो ब्यूटेन, अब इसमें लिखना होगा कार्बन के इधर इधर कितने चैन हैं। तो इसमें हम लोग जब भी कार्बन्स के नंबर ऑफ
कार्बन्स लिखते हैं साइड साइड में, तो घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में। अब कार्बन, ये देखो ये ब्रिज हो गया, इस ब्रिज के ऊपर एक भी कार्बन नहीं है, ब्रिज के बीच में कहीं कार्बन नहीं है, ब्रिज के ऊपर में यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है बीच में, तो जीरो लिखेंगे। ब्रिज के इस साइड कितने कार्बन है, एक। ब्रिज के इस साइड कितने कार्बन है, एक, तो 1 1 0 घटते हुए क्रम में 1 1 0। अभी देखना एक चीज और बताता हूं तब क्लियर हो जाएगा शायद, ये देखो ठीक है। इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चमक रहा है आई थिंक, अब स्ट्रक्चर आ गया होगा सामने, थोड़ा सा चमकेगा देखना, मैं इधर घूम जाता हूं। नंबरिंग यहां शुरू करेंगे ब्रिज हेड से, किधर जाएंगे बड़े वाले तरफ, तो 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है। नाम क्या लिखे, बाईसाइक्लो, देखना सुनना, बाईसाइक्लो, पांच है तो पेंटेन, सिंपल नेम सिखा रहे। इसके बाद से जब हार्ड लेवल्स में आएंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ सर मजा जा रहा है। अभी सुनना, अभी जीरो टू हीरो में बता रहा हूँ, ये जीरो था, अभी हीरो में जा रहे हैं, देखो ये हीरो में अभी एंट्री मिलेगी धीरे धीरे। बाईसाइक्लो पेंटेन, अब लिखेंगे अपन, इधर के दो कार्बन है ब्रिज हेड के, इधर एक कार्बन है और ब्रिज के ऊपर कोई कार्बन नहीं है, मतलब 2 1 0 घटते हुए क्रम में लिखना था, क्या लिखेंगे 2 1 0, 1 0 2 1 2 0 ऐसा नहीं लिखेंगे, घटते हुए लिखेंगे 2 1 0। देखना थोड़ा सा हीरो लेवल में आते, देखना देखो खतरनाक कंपाउंड दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं खतरनाक, क्योंकि इसको हम लोग खतरनाक मानेंगे तो खतरनाक है, नहीं मानेंगे तो अरे भाई ये सिंपल कंपाउंड है सर, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, कैसे बाईसाइक्लो तुमने बोल दिया सर, तो बाईसाइक्लो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे ये और ये रिंग और ये रिंग दोनों दो जगह से जुड़े हैं, तो कार्बन नंबर 1 इधर की तरफ चलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब सारे कार्बन को नंबरिंग चढ़ा देने, क्लियर है, क्लियर है ठीक है, 9 कार्बन हुए। अब बातें आती है इसके नाम लिखने के, तो लिखेंगे बाईसाइक्लो नोनेन, क्योंकि 9 कार्बन। अब ब्रैकेट लगाएंगे, देखना ब्रिज ये हुआ, इसके ऊपर में एक कार्बन है दिख रहा है, इस बार ब्रिज के ऊपर में एक कार्बन है, अभी तक ब्रिज के ऊपर एक भी कार्बन नहीं था ठीक है। अगर मैं इस ब्रिज को ऐसे कर देता, ऐसे, इसका साफ मतलब होता ब्रिज के, ये ब्रिज है तो ये इसके ऊपर में एक कार्बन, लेकिन अभी के ग्राफ को इसको चेंज नहीं करते, इसको ऐसे रखते। सुनना इसमें, तो ब्रिज के ऊपर एक कार्बन हुआ, तो यहाँ का कार्बन एक, ब्रिज के इस साइड कितने कार्बन है 2, इस साइड कितने 1 2 3 4 है ना, तो इसमें लिखेंगे 4 2 1 घटते हुए क्रम में। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर अब आ रहा है तो एक दो क्वेश्चंस मैं दूंगा जो लास्ट में होंगे, क्वेश्चंस लास्ट में मिलते जाएंगे हर बैचेस में, हर सीरीज में, उसको सॉल्व करना ठीक है। इसके बाद से एक क्वेश्चन मैं और करवा के देता हूं, सुनना एक क्वेश्चन और करवा के देता हूं, अभी बाईसाइक्लो की बातें चल रही है, अभी स्पाइरो की बात बाकी है। सुनना भी, अगर मैं इस तरह कंपाउंड्स की बातें कर लूं, ये देखो ये ब्रिज है, ये इससे टच नहीं है, जो लाइन ऊपर से आया है ये ऊपर से आया है, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऊपर से ऐसे है, ऐसे देखो सुनना, ऐसे मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऊपर से लाइन आके ऐसे जुड़ा है, मतलब ये यहाँ टच नहीं है। चलो तो नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 ये ब्रिज कार्बन के ऊपर एक कार्बन हुआ, चलो 2 3 4 5 6 ये टच नहीं है इसलिए नहीं काउंट करेंगे, ऊपर में ब्रिज के ऊपर 7। अब नंबरिंग हो गई 7, बाईसाइक्लो है तो पहले लिखते हैं नाम, बाईसाइक्लो हेप्टेन। अभी मैं इसमें कोई भी साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि अभी तुम लोगों को सीखना है ओनली, अभी तुम लोग बस मजा लो ऑर्गेनिक का, सजा बाद में धीरे धीरे आएगी, तो सजा वो नहीं होगी, उस समय सीखे रहोगे ना तो कम मेहनत होगा और जल्दी सीख जाओगे ठीक है, इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बाईसाइक्लो, क्यों ऐसे चमक रहा है वीडियोस क्वालिटी, बाईसाइक्लो पेंटेन, और ये देखो ये ब्रिज है, तो ब्रिज के इस साइड 1 2 कार्बन, ब्रिज के इस साइड 2 कार्बन, ब्रिज के ऊपर 1 कार्बन, तो 2 2 1 लिख लेंगे घटते हुए क्रम में,
ठीक है, अगर मैं कुछ कंपाउंड्स की और भी बातें करूँ तो और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए बाइसाइक्लो पे, ठीक है। इसलिए मैं स्पाइरो पे आ रहा हूँ। स्पाइरो की बातें करो, सुनना, स्पाइरो में ब्रिज के ऊपर कोई कार्बन, ब्रिज है ही नहीं तो ब्रिज के ऊपर कार्बन होगा ही नहीं, इसलिए हमको जो भी लिखना होगा इस साइड का कार्बन और इस साइड का कार्बन दोनों एक साथ लिखना होगा, और बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि यहां घटते हुए लिख रहे थे यहां बढ़ते हुए लिखेंगे। यहां छोटे रिंग के साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे और बाईसाइक्लो में बड़े रिंग के साइड से। ये सब चीज लिख लेना कॉपी में, क्योंकि मेरे को याद है, तुम लोग को थोड़ी याद है। तो यहाँ स्पाइरो की बातें करें, चलो नंबरिंग, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो शुरू करेंगे यहाँ, नहीं यहाँ से नहीं, शुरू करके हम लोग यहाँ शुरू करेंगे किसी बड़े छोटे कंपाउंड से, छोटा अभी दोनों सेम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे स्पाइरो पेंटेन, सुनना है, स्पाइरो लगा रहे हैं नाम के साथ में क्योंकि ये स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरो पेंटेन, और हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दो ही लिखेंगे क्योंकि ब्रिज है नहीं तो ब्रिज की बात ही नहीं है, तो दो बच गए ब्रिज अटैचमेंट के इस साइड, अटैचमेंट के इस साइड, दोनों साइड टू टू है तो टू टू लिखेंगे। अगर मान लेता हूं कि इस तरह के कंपाउंड से है, सुनना, तो इसमें हम लोग अगर उस तरह से लिखें कि 1 2 3 4 और इसको बोलते साइक्लोप्रोपाइल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्पाइरो कंपाउंड है। यहां पे हम लोग जल्दीबाजी में वैसा ही करते हैं जैसा अभी मैंने किया, तो उस तरह से नहीं करने का है, स्पाइरो नहीं लिखने का है। यहां पे जो लिखेंगे स्पाइरो कंपाउंड है तो लिखेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे छोटे वाले से, तो 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें कोई ब्रांचिंग हो, फिर से मैं बोलता हूं कोई ब्रांचिंग हो, बड़े वाले पे ब्रांचिंग हो तो बड़े वाले साइड से ही नंबरिंग शुरू करेंगे और ब्रांचिंग कार्बन से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, ब्रांचिंग हो, उस समय अभी मैं नहीं दे रहा हूं, यहां लेना। तो नाम लिखेंगे स्पाइरो हेक्सेन, ब्रैकेट डालेंगे, इधर में 3 कार्बन इधर में 2 कार्बन, 2 3 बढ़ते हुए क्रम में देखना, इसमें दो ही लेटर आएगा, तीसरा नहीं आता है क्योंकि ब्रिज ही नहीं होता है। जब ब्रिज होगा तब मैं ब्रिज हेड कार्बन लिखूंगा, लेकिन ब्रिज है ही नहीं तो हेड किस बात की, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरी हेड किस बात की, ठीक है। इस चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि तुम लोग के वीडियो के साथ ही अटैच हो जाएंगे।